दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई, जिस तरीके से फ्लडिंग हुई, उसको लेके बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल जो कि दिल्ली से सांसद थे, उनसे बातचीत करते हैं इसी बारे में। प्रवीण जी, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि फ्लडिंग आखिर होती है। यही फ्लडिंग में हमने देखा कि जब बारिश भी हुई है तब से दिल्ली का हाल बिगड़ा है। क्या कारण है? देखिए, हमें जो इसकी इस साल कोई जलभाव को ऐसा नहीं, हर साल थोड़ी बहुत दिल्ली में चल रहा है। पिछले 9 सालों से अधिक समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सपना है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हर साल जल भरा होता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 9 सालों में ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए हैं जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि जल भराव की घटनाएं दोबारा नहीं होगी। अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सिवाय आरोप प्रत्यारोप के आम आदमी पार्टी ने कभी कोई इसकी कोई ठोस योजना बने ऐसा कोई उपक्रम कभी विरोध किया नहीं। दूसरी तरफ बेसमेंट का जिस प्रकार से अवैध हुआ, जिस काम के लिए बेसमेंट नहीं थी उस काम के लिए बेसमेंट करनी थी, तो उसका यूज ना हो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम का अफसर थी। दिल्ली नगर निगम के अफसर इसमें खेल रहे दिल्ली सरकार खेल रही, ज्यादा जिम्मेदारी सीधे तौर पर दिल्ली नगर निगम की है और दिल्ली सरकार की है। इसीलिए जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसमें देर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार से जब सवालात होंगे तो फिर वो पलट के जो है किसी और के ऊपर इल्जाम लगा देंगे? वो देखिए, दिल्ली सरकार का एक चरित्र है, केवल यही विषय नहीं है। आप पिछले 9 सालों में कोई भी विषय उठाकर के देख लो, एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली के लिए क्या कुछ काम किया। जब आप उसके इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हर बार जब भी कोई विषय आया तो उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश की है, तो लिहाजा वो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे, दिल्ली का शासन नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान उपाय जो उन्होंने खोजा है वह आरोप लगाना। लेकिन मैं इस प्रकार से आरोप लगाना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बहुत ही दुखद मामला है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इसके ऊपर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है वो इनको नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके की हरकतें आगे ना हो।